सब दिन में होते हैं, रात का कोई चक्कर नहीं है। इतनी प्यारी हवा चल रही है ना बॉयज। कौन से रिसेप्शन में जा रही है भाई? किसी ने बाप को बुलाया? तुम किधर घूम रहे हो? सफाई करते फिर रहे हो यहाँ पे? वाह भाई वाह। टेंट लगाया हुआ पूरा ऊपर से, और ये इनकी सारा लिखा हुआ अमेरिकन सिस्टम होता है किस तरीके से टेबल पे खाना लगा देते हैं। तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ टमाटर देखना है, ये चेक कर रहे हैं बॉयज। Assalamualaikum everyone, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। तो बॉयज गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपके भाई की गुड मॉर्निंग हुई है। और आपको कल जैसे मैंने बताया था कि आज जो हमें दावत में जाना है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे भाईजान अभी तो दोपहर हो रही है, अभी कौन सी दावत में जा रहे हो? सो बाबा जी, ये है अमेरिका, यहाँ पर जो है वो दिन में ही दावतें होती हैं, रिसेप्शन शादी वादी जितना सब कुछ है ना वो सब दिन में होते हैं, रात का कोई चक्कर नहीं है। तो आज की दावत जो है वो दोपहर 3 बजे की आई हुई है। तो आज सुबह से मौसम भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा हुआ है, सुबह से बता रही अम्मा बारिश भी हो रही है, क्योंकि आपका भाई थोड़ा लेट उठा है ना, आपके भाई ने मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने मिस कर दिया तो हम खिड़की में आगे अपना एंजॉय करेंगे भैया जी। ठंडी ठंडी हवा और धूप भी गायब है। धूप मियां ने कल बोला राफे भाई को बुरा लग रहा था, तो आज चले जाओ तो आपका भाई अब देखें। हाय 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 हाय, इतनी प्यारी हवा चल रही है ना बॉयज, इतना सुकून मिलता ना ये। तो बस अभी सीन ऐसे आपका भाई होगा, ओए बराबर वालों ने पूरा सेटअप मारा, वो देखें सोफे शोफे लगाए हुए। ये लोग जो है ना दिन में बारबेक्यू भी कर रहे होते हैं, रात में कभी बारबेक्यू कर रहे होते हैं, इनका कोई परेशानी हाल ही नहीं है, हर वक्त इनको एंजॉय चाहिए। खैर हम तो चले, हमें तो तैयार होना दावत के लिए। जाने से पहले हम सुदेन भाई की तबीयत पूछे। सुदेन भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे है? आवाज निकली भाई, आई आप लोगों को आवाज? थोड़ा निकालो, चुस्त हो जाओ, चुस्त। कैसे चुस्त हो? बोलो हाँ जी ठीक हूँ मैं, ऐसे बोलो। एक दफा फिर से बोलो, बोलो 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 यार भैया, मैं ठीक हूँ। देखा बॉयज, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? दुआ ही नहीं कर रहे आप लोग यार, वैसे खुद भी ठीक नहीं होना चाह रहा, बदतमीज इंसान है बहुत। सुदेम 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 भाई दावत में भी नहीं जा रहे, इनको बोल रहा भाई दावत में चले चलो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे। लेकिन नहीं भाई, ये दावत में भी नहीं जाना चाह रहे, तक फारे घूम रहे, सबसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। आप क्या कर रही हैं? रेडी हो रही हैं? कहाँ जाने के लिए? रिसेप्शन पे। ऐसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा हूँ, कुछ करने को नहीं ना, उल्टे सीधे सवाल करूँ। कौन से रिसेप्शन में जा रही है भाई? किसी ने बाप को बुलाया? तुम्हारे रिसेप्शन पे। मेरे रिसेप्शन पे आप क्यों जा रही हैं? हाँ तो और कौन जाएगा? ये भी बात है भाई, अम्मा जी के बगैर कौन जाएगा? लेकिन हमारा रिसेप्शन अभी नहीं होने वाला, अभी तो बहुत दूर है हमारा रिसेप्शन अभी बहुत दूर है। तो अम्मा जी कितने बजे का सीन है? बस आप जल्दी रेडी हो जाए, आपको पता है मैं तो ऐसे चुटकी बजाऊंगा और रेडी हो जाऊंगा, आपको लगेगी देर असल। तो बस अम्मा जी रेडी होती हैं, फिर हम निकलते हैं रिसेप्शन के लिए। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब सीन ऐसा है कि मैं जो हूँ इवेंट के लिए अपने रेडी होने वाला हूँ, और आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ कि यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर रिसेप्शन दावत वावत जो भी होती है वहां पर किस तरीके का रेडी हो जाता है। तो अभी मैं चेंज करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके का मेरा आउटफिट है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चलूं, यहाँ पर जो है जितने भी इवेंट्स होते हैं वहां पर पहना जाता है कोट पैंट, लेकिन आपका भाई कोट पैंट नहीं पहन रहा, क्योंकि है ही नहीं भाई, हमने लिया ही नहीं, हमें थोड़ी पता था कि अचानक ऐसे इवेंट आने वाले, तो हम अपने हिसाब से रेडी होंगे भाई। अपना आउटफिट देख लूं कि मैंने क्या पहनना है। तो सुदेन भाई क्या पहनूं मैं? कोट पैंट। कोट पैंट है ही नहीं ना, बता दिया मैंने अपने बॉयज को भाई कोट पैंट नहीं है मेरे पास। हम पहनेंगे कैजुअल सी अच्छी सी शर्ट और उसके साथ एक जींस की पैंट। सो बॉयज, अब जो मैंने डिसाइड किया अपने कपड़े, मैं आपको दिखाता चलूं। आपका भाई जो है वो ये पहनने वाला है, ठीक है, ये शर्ट है और ये पैंट है, बट इस तरीके से मजा नहीं आने वाला। She wanna roll with me, she throw it back, she don't wanna see the floor with me. I'll take you overseas, जो भी चाहिए वो पे बोल, मैं कुछ और तो नहीं, तू बोर तो नहीं, कोई कॉल तो नहीं, कोई और तो नहीं, कराची से लाहौर गाने बजे पेस कॉल तो सही, तू और कर भाई छोड़े अभी है मक्कल नहीं, ढूंढे मौके नहीं कुत्ते सिर्फ मौके, मैं लिखता रियल डॉट पे भी इसी की मोनोपोली, दुनिया ये बेबाक बड़ी, हम ही आके पाक बेगी, खेलूं मैं भी सांप। तो बॉयज आपके भाई ने सारे शशके मार लिए हैं, तो आपने देख लिया आपके भाई का आउटफिट कुछ इस तरीके का है। अभी शूज वगैरह भी पहनने, तो वो तो आई में पहनते हुए जाएंगे, तो आपके भाई कैसा लग रहा है? आई नो अच्छा लग रहा होगा। तो बस अम्मा जी भी रेडी हो चुकी हैं, तो बस अब जाने की तैयारी है, तो चलते हैं, हम निकलते हैं घर से। बॉयज शूज मेरे ये हैं, ये पहनूंगा मैं, अब शूज पहन लेना जल्दी से। 1 2 भाई जान देख रहे हैं शूज की क्वालिटी कितनी बढ़िया है। बॉयज रेडी हो गया, गिफ्ट हाथ में पकड़ लिया, अब चलते हैं नीचे, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और उनका घर जो है वो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है,
तो 5 से 7-7 मिनट की ड्राइव है, तो लेट्स गो, वहाँ निकलते हैं। ओए होए होए होए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं भैया, वाह भाई वाह। गिफ्ट को रख दिया इधर, अब करते हैं गड्डी स्टार्ट, क्योंकि गड्डी गर्म होने में भी 2 मिनट लगेंगे ना भाई, तो स्टार्ट कर लेते हैं। भाई अम्मा जी भी नीचे आ गई हैं, अम्मा जी लेट हो गई हैं, देखिए आप कराची वाला सिस्टम समझ रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी अम्मा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या लेना है, बुके लेना है? मैं लेट नहीं हूं, आप लेट। तो अभी चलते हैं स्टॉप एंड शॉप, वहाँ पे होते हैं बुके वगैरह, तो वहाँ से लेते हैं बुके, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिसेंट सा लुक आ जाता है, तो वहाँ चल के वो लेते हैं। और यहाँ से आपको बताया, इतनी दूर उनका घर नहीं है, 7 मिनट की ड्राइव है, तो फिर वहाँ निकलते हैं। बॉयज बॉयज हेलोवीन स्पिरिट आने वाला है, तो तैयारियां शुरू हो गई है। वो देखे सामान रखा हुआ है सारा हेलोवीन स्पिरिट का, फुल भूत छूत की शक्लें हैं, तो भाई हेलोवीन में यही होगा, सब भूत बन के निकल जाएंगे घर से बाहर। आगे हूँ स्टॉप एंड शॉप, अंदर चल के देखता हूँ कि कहाँ पे बुके का सिस्टम है, क्योंकि अलग से उन्होंने सेशन बनाया हुआ है बुके का, तो ये तो अंदर चल के पता चलेगा। एंटर होते ही हमें बुके सारे देखे, ये लगे हुए बड़े स्टाइलिश हैं भाई, अब पसंद करते हैं कौन से। अरे रोबोट भाई, तुम किधर घूम रहे हो, सफाई करते फिर रहे हो यहाँ पे, वाह भाई वाह, हम तो बुके लेने आए, तुम कुछ लेने नहीं आए। ओके तो अभी लेते हैं बुके, देखते हैं कौन सा, अम्मा पसंद कर लें, कोई डिसेंट सा ले लें मैं कहता हूँ, क्योंकि डिसेंट ही अच्छा लगेगा, कि इतना बड़ा इवेंट नहीं है घर के अंदर, ये तो डिसेंट सा बुके ही देना अच्छा बनता है। मैं कह रहा हूँ अम्मा से, भाई पिंक ले लें, मम्मा पिंक नहीं लेना, पिंक अच्छा कलर है भाई, डिसेंट सा कलर होता है। लेकिन कौन सा पसंद किया अभी आपने, ये लाल लाल काम में खड़ा करता है मम्मा जी। भाई ये सारे लगे हैं यहाँ पे, ठीक है अब इसमें से हम चूज करते हैं कि कौन सा लेना है। बॉयज ये पसंद किया अम्मा जी ने मिक्स, इन सब में से तो अच्छा यही लग रहा था, तो मैंने बोला ठीक है अब जाके लाइन में भी खड़े होते हैं, क्योंकि लाइन भी बहुत लंबी होगी, तो लेट्स गो। जो है बॉयज अब जाएंगे सेल्फ चेकआउट में, क्योंकि हमें ये एक ही चीज है, हम लाइन में खड़े नहीं होंगे, तो सेल्फ चेकआउट करते हैं और निकलते हैं बाहर। जाते जाते बॉयज डिसीजन चेंज, ये ले लिया अम्मा जी ने, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, तो अब इसका बिल कराते हैं, लाइन देख लें, 3-4 बंदे हैं, उसके बाद हमारा नंबर है, तो ये करा के निकलते हैं। बॉयज हमने ना बुके ले लिया है, ठीक है, और वो गिफ्ट भी पीछे रखा हुआ, सारी चीजें पीछे रख दी हैं, अब निकल गए हैं इवेंट के लिए, और 4:14 हो गया अम्मा जी, 3 बजे की दावत थी, आर यू सीरियस। और बॉयज आपको पहली बात बता दूं, वहां पे मेरा कोई जानने वाला नहीं, जिसका इवेंट है बस वो जानता हूं उनको मैं, और किसी को नहीं जानता। अगर नहीं हो सका मुझसे व्लॉग, मैं थोड़ी बहुत चीजें दिखा दूंगा, अगर नहीं हो सका तो भाई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपका भाई थोड़ा सा शाया पर्सन है, और नई जगह जाके भाई कैसे कर सकता है कोई, लेकिन हम कोशिश पूरे करेंगे कि आपको दिखा सके। तो बस अब वहीं पहुंचते, क्योंकि बस 5 मिनट में आपको भाई अभी पहुंचा देगा आपको। सो बॉयज पहुंच चुके, अम्मा जी जा चुकी है, बाप के भाई को ये घबराहट देखे, लोग जा रहे हैं, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखाना है भाई राफे भाई, लेट्स गो। आज गिफ्ट भी तो है बॉयज, ये भी पकड़ना है, क्या करके गई है अम्मा जी यार, आप भी हद हो गई यार, लोग मुसलसल आ ही रहे हैं बॉयज, ये देखें ये भी गाड़ी आई है। हाय अल्लाह जी, बॉयज कसम से इतनी शर्माहट आ रही है ना, और बाहर देखें बारिश स्टार्ट हो गई है खतरनाक तेज वाली भाईजान, तो अंदर सब बैठे हुए, मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ जितना मुझसे हो रहा है, क्योंकि सब बड़े बैठे हुए थे ना, तो मैं क्या करता अभी जिनके पास आया उनसे भी हो सकता है मुलाकात करवा दूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। मैं तो बाहर आके मौसम इंजॉय करने लग गया, ऐसी खतरनाक बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे, यही है भाई कुछ भी पता नहीं होता, आपको दिखाया था ना दिन में कितनी गर्मी थी, सूरज निकल गया था, अब देखें खतरनाक हवाओं के साथ बारिश। तो खैर अभी चलता हूँ 2 मिनट खड़े होकर अंदर, फिर अंदर का देखते हैं सेटअप क्या चल रहा है खाने पीने का। अरे भाईजान ये तो और तेज हो गई है, मुझे लगा था भी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई ये तो फुल तूफानी बारिश हो गई, लेकिन आज बताई भी थी बारिश, लेकिन जो बोलते हैं ये लोग वो होता है। आए हाय 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 सुभान अल्लाह बॉयज, मुझे ये वेदर लिटरली आई लव इट यार, क्या मजे का मौसम होता है। हर घर में बॉयज देखें टेस्ला का चार्जर लगा होता है, टेस्ला ये देखें चार्ज हो रही है, जिनके घर में भी जाए टेस्ला का हर जगह चार्जर मिल जाएगा, ताकि उनकी गाड़ियां चार्ज हो सकें। इस तरीके से कुछ खाना लगाते हैं घर के अंदर, देसी सिस्टम इस तरीके से ही होता है कि आप खुद ही निकालो खाते रहो, यहाँ ये नहीं होता है कि आपको लाके दिया जाएगा, यहाँ सब बैठे हैं सामने और ये सारा खाना लगा है, जो आपको पसंद है वो खा लो, तो आपके भाई ने जो है वो ये निकाल लिया, क्योंकि जाएँ तो खाना तो बनता है ना। सॉरी देसी नहीं, अमेरिकन सिस्टम है बॉयज, यही अमेरिकन सिस्टम होता है कि इस तरीके से टेबल पे खाना लगा देते हैं, जो आपको चाहिए आके निकालो, कोई आपको सर्व नहीं करेगा आके। भाई थोड़े से चने भी खाई ना यार, भूख लग रही है अब तो थोड़ी बहुत, चने भी टेस्ट कर ही लेते हैं चने किस तरीके के हैं। ये भाईजान आया थोड़ा खाया तो सही, ये निकालने आपके भाई ने चने, और ये आ गया स्पून, और ये उठा लिया आपके भाई ने, और आपका भाई यहीं बैठ गया, आगे कुछ नया नया आइटम आता रहा तो आपका भाई खाता रहे, आपस की बात है बॉयज, टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो थोड़े से और ले लूँ क्या, लेकिन अभी नहीं, सब देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है कि थोड़े से और लूँगा, थोड़ी देर में लूँगा। तो बॉयज अम्मा आई हैं, तो आपके भाई के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि आपको भाई थोड़ा और निकाल लें, अम्मा जी कैसा बना भाई, मज़ा आ रहा है आपको,
बोल मेरी तो तुम्हें पता है अम्मा जी की दोस्त बन जाती है। खैर जो हमारे भाई जिनकी दावत में है ना उनको भी लेते हैं, वो मना कर रहे हैं अभी आने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि उनके साथ भी बातचीत करवाएं। तो अभी आपका बैठा हुआ भाई जाएंगे ना तो स्टेज के लिए। अच्छा बाहर कुछ है सिस्टम? अभी मैं बाहर गया ही नहीं वहाँ, तो अभी मैं अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहा हूँ भाई बैठा हुआ, लेकिन बाहर जाके देखते हैं क्या सेटअप है। तो अम्मा जी आइए तो थोड़ा सा और फोड़े भाई। सो बॉयज़ ये जो आप देख रहे हैं ना इसके अंदर लोग लिफाफे डाल कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसी बॉक्स रखा हुआ है तो यहाँ पर जो हाथ में नहीं देते, इन्होंने अलग से बॉक्स रखा हुआ है, जो आए इसके अंदर लिफाफा डाल के चले जाए। पर सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ टमाटर देखने आए हैं, ये चेक कर रहे हैं बॉयज सारे टमाटर लगे हुए हैं। ये होए अम्मा वाह भाई इन्होंने खुद किया होगा अम्मा। ये वहाँ पे गाने चल रहे हैं इसलिए थोड़ा मैं व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि वहाँ कॉपीराइट आता है। आपको शॉर्ट दिखा दूंगा किस तरीके का इवेंट है, और इससे पहले जो चीज़ दिखाई वो एनवलप की चीज़ बनाई हुई भाई जान के एनवलप इसमें डाले, यहाँ ये चक्कर नहीं है कि आप हाथ में आके देंगे उसमें डाल दें भाई। बॉयज ये देखें इस तरीके से कुछ सेटअप मारा हुआ है पूरा, यहाँ पे लेडीज का खाना पीने का सिस्टम, और इन्होंने टेंट लगाया हुआ है पूरा ऊपर से, और ये इनकी सारा लिखा हुआ वेलकम टू आमिर एंड फरा। तो ये बड़ा बेस्ट सिस्टम है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, पहला इवेंट है अमेरिका के अंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है। जिन इंडिया घर है उन्होंने हमें टमाटर यहाँ से तोड़ के खीरे तोड़ के अम्मा जी के लिए बांध दिए हैं, कहा है कि घर जाके बना लेना। वाह भाई अम्मा जी के सिस्टम जो है वो हर जगह चलने लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। जब बंदे की इंसान की नेचर अच्छी हो ना तो वो इंसान ऐसे मिलते हैं, यहाँ किसी का कोई रिश्तेदार नहीं आया हुआ, यहाँ सारे दोस्त यार इस तरीके से इवेंट में आते हैं। और आपको मैंने दिखा दिया है कि अमेरिका के अंदर भी इवेंट किस तरीके से होते हैं कि घर में ही पूरा सेटअप बना लेते हैं, खाना पीना सारा लेडीज का बाहर बनाते हैं, यहाँ लेडीज और जेंट्स अलग वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ सब एक साथ ही इंजॉय करते हैं। तो बस ये सीन है भाई। बहुत एंजॉय कर लिया, थोड़ा बाहर खड़े हैं भैया। हाय हाय खिड़की कोई देख तो नहीं रहा? नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा। आप यहाँ से देखें बैक यार्ड से भी उन्होंने गेट बनाया हुआ है पूरा, यहाँ से आप बाहर निकल जाओ और बाहर आ जाओ। हाय अल्लाह जी बॉयज अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना भी खा लिया, ठीक है। अम्मा जी अभी अंदर ही हैं और मैं चाह रहा था कि मैं उनसे मिलवाऊँ लेकिन वो थोड़े से बिजी चल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह उनको लेंगे भाई, टेंशन ही लेनी। तो आज हमने उनको छोड़ दिया, उनको बोला ठीक है आप इंजॉय करें, आज आपका दिन है, आपकी रिसेप्शन का सिस्टम है तो आप करते रहे। तो अभी अम्मा जी फारिग होती हैं, खाना शाना खा के खाना भी खा लिया, पता नहीं अम्मा जी का क्या सिस्टम है, लेडीज़ मिल जाएँ चार तो वहाँ तो लंबी होनी है, तो लच्ची कितनी देर में फारिग होती हैं। तो बॉयज़ रात का कुछ इस तरीके का सेटअप है, मतलब रात का भी आपको सेटअप दिखा दूँगा किस तरीके का इन्होंने खुद मेहनत की है, ना किसी को बुलाया था ना कुछ, दोनों ने मिलके सब कुछ ये सारा सेट किया। चेक करें आप लाइट्स वगैरह बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है, दिन में तो इतना नहीं पता चल रहा था लेकिन रात में बहुत प्यारा लग रहा है, छोटे से गार्डन में ये सेटअप करना बड़ा बेस्ट सीन है भाई। अल्लाह जी बॉयज मज़ा आ गया भाई, अम्मा आपको मज़ा आया है ना? पहला इवेंट हमारा अमेरिका के अंदर रहा और हमें पता नहीं था कि क्या क्या सेटअप होता है, और आप लोगों को भी नहीं पता होता तो इसलिए मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था और क्या क्या सिस्टम, और आपको चूड़ियाँ भी दी हैं। बॉयज ये देखें इस तरीके से इसके अंदर पैक जो है वो माशाल्लाह देखें सुभान अल्लाह तस्बीह देखें कितने खूबसूरत तरीके से पैक करी है, और ये चूड़ियाँ वाह भाई वाह बेहतरीन, ये काम अच्छा हो गया अम्मा जी आपका, चूड़ियाँ भी आ गई ये भी आ गया बेहतरीन भाई, यहाँ पर ये सिस्टम चलते हैं। देखें ये होता है सिस्टम अमेरिकन, ये यहाँ पर सिस्टम चल रहा होता है। तो खैर अब मैंने सोचा अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।